देवव्रता देवान पितम जानति पितृव्रता भूतानि यान्ति भुज यज्ञ यान्ति मत याजिना आपि मम याजन्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मत याजिनी अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों में कर्मकांड अंश 10.89 में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकते हैं। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि वह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्य कलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करते हैं। इस लोक के माध्यम से यह समझाना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्ति कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण या विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवान को भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी जैसे सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्र देव की पूजा करते हैं तो उनके लोकों में जाएंगे। और हमारे वेदों में ऐसा दिया हुआ है कि किसी देवता के लोकों में जाने के लिए उनकी पूजा किया जाता है। और भूत पिशाच की पूजा करके यक्ष रक्ष पिशाच भी बन सकते हैं, मतलब उनके लोकों में भी जा सकते हैं, जिसे कि काला जादू कहते हैं। इसी तरह हम लोग अगर शुद्ध भक्ति से कृष्ण की पूजा करें तो हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, भगवान धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण विष्णु आदि के लोगों को वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम पूजा के द्वारा सब कर सकते हैं तो ये सभी पूजा के द्वारा संभव है। इसलिए कहा गया है कि मतलब कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है। तो हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र डेली करना चाहिए। हरे कृष्ण। किधर जाना है आप लोगों को, भूत पिशाच के लोग कि गोलोक, किधर जाना है सबको, गोलोक कि भूत पिशाच लोग? तो बहुत ही सुंदर तरीके से, क्या नाम था आपका? आशुतोष। तो आशुतोष ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, सबको अच्छा लगा? तो बहुत ही सुंदर है, ऐसे करके हमें सीखना चाहिए। तो बता रहे हैं यान्ति देवव्रतान देवान, देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक जाएंगे। पितृयान्तिन पितृव्रतान, और पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों के लोक जाएंगे। अब भगवान बोल रहे हैं और भगवान की पूजा करेंगे तो किधर जाएंगे? भगवान के धाम में। तो देवलोक और भगवान के लोक में कोई अंतर है? अगर हम स्वर्ग जाते हैं और गोलोक जाते हैं तो कोई अंतर है क्या? अंतर है कुछ? कितने लोगों को लगता है अंतर है? सबको लगता है। क्या अंतर है आप बताइए? हम स्वर्ग गए और वैकुंठ गए तो अंतर क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड, हरी बोल। स्वर्ग जाएंगे तो फिर स्वर्ग भी बहुत अच्छा है, इतनी ठंड नहीं पड़ती उधर।
बाप रे बाप, इतनी ठंड है, चलने में जमीन में मंगल आरती में नाचना ही पड़ेगा वो, समझ रहे हैं? तो मैं 1 बजे उठा था आज, तो इतना ठंड था, तो ये जो स्वर्ग में इतनी ठंड नहीं, वहाँ पर एयर कंट्रोल, एयर कंडीशन एकदम बढ़िया, टेम्परेचर एकदम, समझ रहे हैं? लेकिन पॉइंट है कि वो थोड़े दिन के लिए रहेगा। भगवान गीता में बता रहे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तेतम तुक्त्वा स्वर्ग भुक्त्वा स्वर्गलोकम। तो आप पुण्य करेंगे, स्वर्गलोक जाएंगे, लेकिन फिर वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वापस आना। अगर आपको बोलेंगे प्रभु जी आपके लिए हमने एकदम बहुत अच्छा घर चूज़ किया है, बोलो बहुत अच्छी बात है, गृह प्रवेश करवा दीजिए, चलिए गृह प्रवेश। लेकिन प्रभु जी केवल आपको 3 दिन तक रहना है, फिर किसी और का बुकिंग तो आप रहना चाहेंगे क्या? आप बोलेंगे हमारा टूटा फूटा घर ठीक है भाई, 3 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, तो फ़ायदा क्या हुआ, समझ रहे हैं? तो वैसे ही देवताओं के लोक में बहुत सुख समृद्धि है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो क्षण भंगुर है। कैसा है? तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ जाना चाहेंगे? भगवान के शाश्वत धाम में। तो इसलिए आप बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है, और दूसरा और क्या अंतर है? एक तो इन्होंने अच्छा पॉइंट बताया कि हमें वापस आना पड़ेगा, और क्या है? कोई बोलेगा पो जी बहुत दिन तक तो रहेंगे ना, अरे भाई मरना तो इस दुनिया में भी है, फिर भी तो घर आदमी बनाता है ना 10 साल 20 साल 50 साल के लिए। भाई ट्रेन से भी जाता है तो भाई 20 घंटे के लिए अच्छा टिकट बुक करता है कि द्वारका जाएंगे, भाई AC में करवा दीजिए, मतलब समझ रहे, 50 घंटा रहे ठीक, फिर लेकिन 50 घंटा तो अच्छे से रहेंगे। तो वैसे आदमी आप बोले कि ठीक अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पर तो अच्छे से रहेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि और क्या अंतर है गोलोक में और यहाँ पर स्वर्गलोक में? ठीक है, इतनी ठंड नहीं पड़ती है, और क्या अंतर है स्वर्गलोक और यहाँ पर, कोई बता सकते हैं? एक तो बताया है कि स्वर्गलोक क्या है, टेम्प्रेरी है, लेकिन वैकुंठ परमानेंट है, ठीक है। और वो तो वही पॉइंट है कि वो इटर्नल है, शाश्वत है, सही बात है, अच्छी पॉइंट है। जो स्वर्ग में भी आपको मरना तो पड़ेगा, आपको वापस आना ही पड़ेगा, अच्छा पॉइंट। और एक पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भगवान की स्वर्ग में भी भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वो भी सही पॉइंट है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वर्ग में लोगों में आपस में क्या ईर्ष्या है, क्या है? ईर्ष्या है, समझ रहे हैं? जैसे ही कोई पूजा उजा करता है तो इंद्रदेव टेंशन में आ जाते हैं, ये 16 माला कर रहा है, और इसके लड़क जीवन में कोई लड़की भेजो ये ज़्यादा जपूप कर लेगा तो फिर हमारा पोस्ट उस्ट खा गया, तो समझ रहे? ध्रुव महाराज तपस्या करने लगे, सबको चिंता हो गई, किसका पोस्ट लेगा ही, इंद्र का कि चंद्र का कि वायु का? तो वैसे ही हम देखते हैं कि वहां पर क्या है, ईर्ष्या है, क्या है? आपस में थोड़ा भय है कि मेरा पोस्ट कोई ना ले ले, समझ रहे हैं? है कि नहीं? वहां पर भय रहता है ना, इंद्र को देखते हैं हमेशा कोई यज्ञ करता डर जाते हैं, लेकिन गोलोक में ईर्ष्या, गोलोक में वृंदावन में आप जाएंगे तो अगर तुलसी सेवा कर रही है भगवान की तो बाकी पेड़ पौधों को ईर्ष्या, कि अरे गुलाब नहीं बोलता हम तो तुमसे ज्यादा सुगंधित देते हैं, तुम ही काय चरण पे चढ़ेगी, हम चढ़ेंगे, सब लोग खुश है कि चलो तुलसी भगवान को प्रिय है तो तुलसी को चढ़ाएंगे, जो अच्छा गाता है उसको भगवान के सामने जाएंगे, कोई हरि कीर्तन कर रहा है उसका गला खराब भी है फिर भी वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कोयल भी रहती है लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बोले तुम गाओ, तुम हरि कथा गा रही हो बहुत अच्छा गा रही हो। अब सोचिए आप कहीं पर हो, आपको बढ़िया से बढ़िया कंबल मिला हुआ हो, AC हॉल मिला हो,
समझ रहे हैं, आपको प्लेट में 56 आइटम है और बगल में कोई बैठ के सोचे मर जाए तो अच्छा, इसको 56 आइटम है, मेरा 54 ही आइटम है, जहर मिला देंगे हम और माता जी हरे की ना। अंदर से बाहर से बहुत अच्छा, अंदर से मर जाए तो मजा आए। तो इसमें क्या मजा है, अगर कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है तो मजा आएगा? तो कौन सा अच्छा है, स्वर्ग कि गोलोक? और आप लोग कहाँ बैठे हैं अभी पता है आप लोगों को? आप लोग गोलोक वृंदावन में बैठे कि जहाँ पर ही भक्त लोग आते हैं और हरिनाम संकीर्तन करते हैं वो क्या बन जाता है? गोलोक। कितना सुंदर लगा, सब लोग आपस में क्या रहे नाच रहे हैं गा रहे हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? समझ रहे हैं, इतनी ठंडी में तो नर्क है लेकिन क्या बन जाता है? बैकुंठ। तो भगवान के लिए नाचते हैं तो कभी क्या दुख लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है, ऐसी ठंडी में कोई उठेगा ही नहीं, बाप रे वाह, मुंह से भी छोड़ते धुआं निकलता है, कोला सिगरेट भी देखे आप लोग बिना सिगरेट के धुआं निकल रहा है समझ रहे? तो भक्ति मार्ग क्या है, बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन वही है सही से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, सिखाएंगे आप लोग कुछ और सीखेंगे आप कुछ, समझ रहे? इसलिए पूरी जानकारी नहीं होने के कारण बहुत लोग सोचते स्वर्ग बहुत अच्छा है। स्वर्ग क्या बहुत अच्छा है, लेकिन सही से जानकारी होगी तो पता चलेगा स्वर्ग पाने के बाद भी वहाँ ईर्ष्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत टेंशन होता है, शरीर के स्तर पे नहीं होता है लेकिन मन के स्तर पे, समझ रहे? तो इसीलिए ट्रेनिंग अच्छे से लेना बहुत, कि क्या है क्या नहीं है, बिना सोचे समझे कोई आदमी कोई चीज़ को ग्रहण कर ले फिर बाद में पता चलेगा गलत चीज़ ग्रहण कर लिया मैंने, मैंने क्या ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए अभी जैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं, बहुत बच्चे बहुत अच्छा से मंत्र बोलते हैं एकदम, कितने लोगों को विंदाए तुलसी देवा याद है? बहुत लोगों को याद है। आइए माइक पे बोलिए। तो वृंदाए तुलसी देवी आय प्रियाय केशव कृष्णोक्ति वृंद देवी सतपते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवी आय प्रियाय केशव कृष्णोक्ति वृंद देवी सतपते नमो नमः। फिर से बोलिए, जोर से बोलो। वृंदाए तुलसी देवी आय प्रियाय केशव कृष्णोक्ति वृंद देवी सतपते नमो नमः। सुना आप लोग ने मंत्र, बहुत अच्छा से बोला। हाँ कितने लोगों को अच्छा लगा, बोले हरि बोल। किस हाथ खड़ा कीजिएगा, कितने लोग लगा कुछ गलती भी किया था, वो कुछ गलती किया था कि सब सही बोला था? किसको लगता है क्या गलती किया था, क्या गलती किया था? हाँ तो मोटा मोटी सही बोल रहा था लेकिन उसने क्या बोलना सीख गया, मैं उसके बगल में सुन रहा था, जब मैं प्रणाम करा तो देखा वो भी प्रणाम करा मेरे बगल में, सुनाई दिया वृंदाए तुलसी देवी आय प्रिय आय के सबस कृष्ण भक्ति विंदे देवी सत्यवती नमः। सही है, 90 मार्क्स मिल जाएगा लेकिन 1%। तो क्या मंत्र था, वृंदाए तुलसी देवी आय प्रियाय कृष्ण भक्ति पते देवी को क्या कर दिया उसने, विंदे देवी कर दी। कोई गलती नहीं है, अच्छा है, सीख रहा है, लेकिन उसको सिखाया नहीं जाए तो वो एकदम ऐसा ही सीख जाएगा, कहीं पर भी जाएगा कृष्ण भक्ति विंदे देवी सत्यवती नमो नमः। समझ रहे हैं, हम लोग तो सिखा रहे हैं और सब लोग गा रहे हैं वृंदाए तुलसी देवी आय प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति पते देवी सत्यवती, लेकिन वो एकदम कॉन्फिडेंटली गा रहा है क्या कृष्ण भक्ति विंदे देवी, और उसके धीरे धीरे मन में बैठ जाएगा। इसलिए जीवन में ट्रेनिंग को देखना भी चाहिए, हम सही सीख रहे हैं कि, समझ रहे हैं? इसलिए भक्तों का संग बहुत, नहीं तो अकेले में आदमी कुछ और सीख जाएगा और कॉन्फिडेंट हो जाए उसी का अभ्यास कर लेगा, फिर प्रभु जी फल नहीं आ रहा है, फल कैसे आएगा? समझ रहे हैं? आप सही से काम नहीं करेंगे तो फल आएगा? तो इसलिए आदमी को जीवन में भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग के बिना की भी भक्ति में उतना फल नहीं, ये छोटी मोटी गलती हो जाती है पता भी नहीं चलता है।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया कि आप भक्ति लता बीज को क्या कीजिए, पानी दीजिए। लेकिन पानी देते समय क्या आएंगे, कभी कभी वृक्ष के साथ साथ वीड्स, क्या बोलते हैं वीड्स को, अनवांटेड प्लांट, खरपतवार, मतलब जो पेड़ नहीं है पेड़ के बगल में उग जाता है, पूरा पानी को सोख लेगा आपको, खरपतवार, घास फूस नहीं, खरपतवार, मतलब अंग्रेजी में वीड्स बोलते हैं। कि तो महापू बता रहे हैं जब आप पानी में फल जल देते हैं पेड़ के जड़ पे, तो कभी कभी आसपास क्या उग जाते हैं, खरपतवार आपका जल को सोख लेते हैं। वैसे हम भी भक्ति में आए हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम भगवान से भक्ति को पोषित करने के लिए मांगे शक्ति, न कि क्या मांगे, खरपतवार को पोषित करने के लिए शक्ति। भक्ति के जड़ लता को बढ़ाना है कि खरपतवार को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, खरपतवार को ना, हाँ किसको, भक्ति लता को बढ़ाना है। लेकिन हम लोग बहुत बार क्या मांगते हैं, खरपतवार को बढ़ाने की इच्छा मांगते हैं कि भगवान बहुत ठंडा है काम कर दीजिए, ये भक्ति की इच्छा है क्या, क्या इच्छा, भक्ति की इच्छा है ये, हाँ भक्ति की तो इच्छा है, ठंड कम करने की इच्छा क्या है, भक्ति की इच्छा है कि नहीं, हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, कभी कभी हो सकता है भक्ति की इच्छा ये नहीं हो, समझ रहे। अभी जाड़े में देखिए कितना भगवान का बढ़िया से मंगला आरती होती है, नाचना ही पड़ता है, कोई भी आदमी आराम से एक जगह खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जमीन खड़े होने देगी, समझ रहे। तो जब हम कभी कभी भक्ति मार्ग में कष्टों को कम करना चाहते हैं केवल, इसको मुक्ति वासना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कभी कभी कष्ट हमारे लिए हो सकता है अच्छे हो, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग जानकारी नहीं होते, हम लोग क्या मांग लेते हैं, भगवान मेरे कष्ट कम कर दो। तो इसलिए कष्ट कमने की इच्छा भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, क्या मांगनी चाहिए, भगवान मेरी भक्ति बढ़ाइए। और कष्ट कम करने से भक्ति बढ़ेगी तो कष्ट कम भी कर सकते हैं, कष्ट कम करने से भक्ति बढ़ेगी तो कष्ट कम भी कर सकते हैं, और कष्ट कम करने से भक्ति घटेगी तो मुझे भक्ति कष्ट कम नहीं करवाना। अगर कष्ट कम करने से आपका भक्ति कम हो जाएगा तो भक्ति कराना चाहिए, कष्ट कम करवाना चाहिए नहीं। तो इसीलिए आदमी को जीवन में अच्छे वैष्णव के संग में रहना चाहिए। तो हम क्या सिखाएंगे, भक्ति के पेड़ को पोषित करना, नहीं तो फिर हम लोग भक्तों के संग में रह के बहुत जगह पर भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमें बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, हम बोले कौन बोला आपको, नहीं प्रभु जी हम मॉर्निंग सुबह जप में नहीं आते हैं, क्यों, क्यों हमको पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है, प्रभु जी पैसा कमाएंगे तभी तो आपको डोनेशन देंगे। हम बोले हमको तुमको भक्ति करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तुम्हारा पैसा उतना ज़्यादा, तुम भक्ति नहीं करेगा तो पैसा क्या देगा, समझ रहे। तो ये बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाते, इतना व्यस्त हो जाते, माला का उनके पास समय है, पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ भक्ति भी करनी। तो पैसे कमाने के चक्कर में आप एकदम भक्ति को ही, मतलब तो बहुत बार बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा कमा के भगवान की सेवा करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन हो सकता है पैसा कमाए और भगवान की सेवा न करें, खुद की भोगों की वासना बढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया यान्ति देवता देवान, देवताओं की पूजा करने से कहाँ जाते हैं, तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, करनी चाहिए क्या, यहाँ तो बोल रहे हैं देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, देवताओं के लोग जाएंगे, करनी चाहिए, करनी चाहिए क्या, आप लोग को समझ ही नहीं रहे। अरे यहाँ पर तो लिखा है देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, तो आपको स्वर्ग लोग जाना है क्या कि गोलोक जाना है, तो गोलोक जाना है तो किसकी पूजा करनी पड़ेगी, और देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, हाँ देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आपको पहले कहाँ जाना है बताइए। आपको अगर पटना जाना है तो आप क्या कलकत्ता वाली बस में चढ़ेंगे क्या, हाँ
तो पहुंच जाएंगे कलकत्ता, समझ रहे? जाना था पटना, तो कौन से बस में चढ़ेंगे आप? हाँ, पटना वाला बस में चढ़ेंगे, समझ रहे? उसमें बुद्धि होना चाहिए, बिहार शरीफ वाला में नहीं चढ़ सकते। बोले डायरेक्ट पटना, डायरेक्ट पटना, लेकिन बिहार शरीफ में 2 घंटा रोक देगा, समझ रहे? तो आपको बहुत बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? कैसे, उसका पूरा साइकोलॉजी जानना पड़ेगा। तो अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आपको किसकी पूजा करनी पड़ेगी? श्री कृष्ण की। वेरी गुड। देवताओं की पूजा क्या करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे कंफ्यूज है पूरी जनता, आधा घंटा प्रवचन हो गया लेकिन कोई, सब लोग कंफ्यूज है। बताइए। हाँ, देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो आपको स्वर्ग जाना है क्या? विनीतपुर। तो कहाँ जाएंगे आप लोग? हाँ, तो गोलोक की पूजा, यहाँ तो लिखा हुआ है देवताओं की पूजा, देवताओं के लोग जाएंगे? कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो बताइए। हाँ, बताइए। बताइए आप लोग। हाँ, क्या सीख रहे मुझे पता नहीं आप लोग। देवताओं की पूजा करनी है कि नहीं करनी है? करनी है, तो फिर तो आप लोग स्वर्ग लोग जाएंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड, हरी वो। तो देवताओं की पूजा करना, यहाँ पर जो देव यांति देवता देवान, तो आप देवताओं के पास अगर उनको श्रेष्ठ मान के भजन करते हैं उनका, समझ रहे हैं, तब आप देवताओं के लोग जाएंगे। उनको भगवान मान के पूजा करेंगे तब कहाँ जाएंगे, उनके लोग जाएंगे। लेकिन आप कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, और तब उनको भी बोलते हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति दीजिए, तो फिर कोई दिक्कत? कोई शिव जी का भजन करेगा उन्हीं को श्रेष्ठ मानकर, तब वो शिवलोक जाए, कैलाश जाएगा, समझ रहे हैं? या कोई अगर इंद्र की पूजा करता उनको श्रेष्ठ मानकर, तब वो स्वर्ग जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन कोई अगर कृष्ण की पूजा करेगा तो कहाँ जाएगा? तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग देवताओं का असम्मान करते, पूजा नहीं करते, लेकिन असम्मान, आदर करना और पूजा करना अंतर। तो ऐसा नहीं कि हम ऑल्टर पे पूजा करें इंद्र की, लेकिन इंद्र देव का सम्मान तो हम लोग करते हैं। ये पत्नी है, पति का सेवा तो कर रही है, पति को सब कुछ कर मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, देवर का सेवा नहीं करे, उसका भी सेवा, उसको भी रिस्पेक्ट करती है। हाँ, अपनी सास का भी रिस्पेक्ट करती है कि नहीं? और सब लोग मिलके किससे प्रेम करते हैं? सब देवता लोग भगवान से ही प्रेम। इसलिए आप शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत बार देखेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे एक बार पार्वती जी को जब भगवान का प्रसाद नहीं मिला तो बहुत दुखी हो गई और बोली कि मैं तपस्या करूंगी। तो जब तपस्या करने का सोची रही तब तक भगवान प्रकट हो गए और बोलती, भगवान आपने आप मेरे पर कृपा कीजिए, मैं चाहती हूँ सबको प्रसाद मिले। तो वहाँ भगवान बताते हैं कि पार्वती, तुम मेरे को बहुत प्रिय हो, और अगर तेरा कोई भजन नहीं करेगा
तो मेरा भक्त कहलाने का अधिकारी, ऐसा शिव जी को ही बोलते हैं। रामायण में आता है कि भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मेरे को अपने आप भक्त बोलता है लेकिन शिव जी को नहीं मानता तो मेरा भक्त। तो इसीलिए हमें देवी देवताओं का बहुत सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए? कृष्ण की। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये श्लोक देखा, बहुत अच्छा श्लोक है। हरे कृष्णा। शाम को आज